जो कि फ्री में लोगों को एक्टिंग के बारे में बताते हैं, डांस क्लासेस चलते हैं, इनकी एक एकेडमी है जिसमें वो लोगों को सिखाते हैं एक्टर कैसे बना जाता है। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये J2B मतलब जॉइंट बॉलीवुड एकेडमी के अंदर का सीन, और बच्चों से भी फीडबैक लेता हूँ कि कैसे यहाँ पर काम करते हैं। हैदराबाद से हूँ। अच्छा, हैदराबाद से आए हैं। यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। कितने दिनों से हो? मैं 10 दिन। सर मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से, मतलब सब आउट ऑफ स्टेट ही हैं, मुंबई से बाहर से हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आने के पहले बहुत डर रही थी, मगर अच्छा। यहाँ आके सच में बहुत कुछ फ्रॉड नहीं हुआ ना? बिल्कुल भी नहीं। बात सर मिले ही नहीं, फैमिली जैसा सर गायब ऐसा नहीं था ना? सर बहुत सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा यूपी से। ये बंदा मेरे तरफ का है। यूपी से कहाँ से? यूपी जौनपुर से हूँ। अच्छा जौनपुर, भदोही के आसपास है। कितने दिन से हो यहाँ पे? सर मैं यहाँ लमसम 1 महीना हो गया है, 1 महीना से सीख रहा हूँ। लेकिन आपको सुधार आ रहा है? बहुत ज्यादा सुधार आ गया सर। पहले शुरू में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। अच्छा। और हमें एक एक चीज पूरी अच्छी तरीके से बताया जाती है, और हमें नहीं समझ में आता हमें रिपीट उन्हें समझाते हैं हमें, और हम कोशिश करते अपनी भी पूरी। दोस्तों क्या आप भी एक एक्टर बनना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, फिल्मों में काम करना चाहते हो, टीवी सीरियल्स में काम करना चाहते हो, और आपके मन में भी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं कि भाई मुझको भी एक्टर बनना है, मुंबई जाना है? तो ऐसे ही आज मैं आप लोगों को एक शख्स से मिलवाने वाला हूं जो कि फ्री में लोगों को एक्टिंग के बारे में बताते हैं, डांस क्लासेस चलते हैं, इनकी एक एकेडमी है जिसमें वो लोगों को सिखाते हैं एक्टर कैसे बना जाता है, एक्टिंग को कैसे निखारा जाता है, और यहां तक कि काम भी मिलता है, ज़्यादातर लोगों को काम भी मिलता है अगर आप में टैलेंट है। तो यूपी बिहार से आने वाले या कई भी मतलब शहरों से आने वाले लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मुंबई में भाई जाए तो काम कैसे मिलेगा, क्या काम करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे एक्टिंग सीखेंगे, या अपने आप को से डेवलप करेंगे एक एक्टर बनने के लिए। तो ऐसे ही एक संस्थान में हम लोग हैं, ज्वाइन टू बॉलीवुड करके एक संस्था है जिसमें प्रिंस जी हैं जो लोगों को फ्री में सारी चीज़ें बताते हैं, एक्टिंग के बारे में, डांस के बारे में, उनको एक तरह से ढालते हैं कि एक एक्टर कैसे रहता है, कैसे सीखता है, क्या ज़रूरी होती है, मतलब एक्टिंग से रिलेटेड, आर्टिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ, सारे जो भी समस्याएँ आती हैं, बाधाएँ आती हैं, उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण दुबे और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं द देसी मीडिया, और आज हम बात करेंगे प्रिंस भैया से। सबसे पहले तो कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, काफ़ी दिनों के बाद फील्ड पे निकला हूँ, तो मैंने सोचा कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इनसे एक बार मिला जाए। और बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि भाई एक्टिंग फील्ड में कैसे जाएं, क्या काम करें, और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आते ही फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, तो एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो उसी लिए मैंने सोचा कि भाई आपसे मिला जाए, आप कम से कम उनकी कुछ तो समस्याओं को हल करेंगे। तो कैसे काम करती है आपकी टीम एकेडमी? देखो करण जी, होता क्या है कि सबसे पहले जो नए लोग आते हैं बॉलीवुड में आना, अब तो सब लोग चाहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ जाएं। लोग मुंबई आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं, लोग उनसे पैसा मांगना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो फ्रॉड में फंस जाते हैं, जो लाखों रुपये डुबो होते हैं। जी। तो हमने ये सोचा यार कि क्यों ना उन लोगों को बचाया जाए, तो हमने एक चैनल स्टार्ट किया जॉइन टू बॉलीवुड। अच्छा। जहाँ पे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि फेक लोगों से कैसे बचना है, आपको मुंबई आके कहाँ पे रहना है कम से कम पैसे में, और आप मतलब मुंबई में कैसे अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट। अच्छा। इसलिए हम लोग फ्री में ऑनलाइन एक्टिंग भी सिखाते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है जॉइन टू बॉलीवुड। अच्छा। जहाँ पे हमने पार्ट वाइज बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जहाँ पे लोग कितने सारे लोग हैं जो वहाँ से एक्टिंग सीख के और बॉलीवुड में काम भी कर रहे हैं, उनको मौका भी मिला है। जी। तो हमने पार्ट वाइज बना रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे नहीं दे पाते एक्टिंग क्लास के लिए, तो हमने उनके लिए ये किया कि भाई आप फ्री में सीखिए और नॉलेज लीजिए, उसके बाद ऑडिशन दीजिए। अच्छा। क्योंकि होता क्या देखो करण जी, अगर आपको नहीं पता बॉलीवुड के बारे में तो जहां भी आप जाओगे लोग आपसे पैसे मांगेंगे। हाँ, ये तो बहुत होता है। और फ्रॉड सबसे ज्यादा होता है पोर्टफोलियो के नाम से। लोग कॉल करते हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको मुंबई बुला लेते हैं। अच्छा। मुंबई बुलाने के बाद आपसे बोलते हैं कि आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, कल से आपका शूट है। कितने सारे लोग हैं जो घर से भाग के आते हैं, ऐसी चीजें हमें मिलते हैं, हमें बताते हैं कि सर मैं घर से भाग के आया और मैं पैसे इकट्ठे करके आया, मैं अपनी बाइक बेच के आया सर और यहाँ पे आया और मेरे सारे पैसे रख लिए गए और ऑफिस बंद हो गया, गायब हो गया। अरे बाप रे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। जी। क्योंकि टैलेंट होगा तभी मौका मिलेगा। लोग आपसे पैसे इस तब मांगेंगे जब आपको कुछ पता नहीं होगा बॉलीवुड के बारे में, तो आपसे लोग पैसे मांगेंगे और आपको ऑफर करेंगे आपको बड़े रोल के बारे में। तो आपको ध्यान देना है, करण जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये आपको मेरे पास तक ये आए हैं तो इन्होंने देख के, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी लोग हैं जो फ्रॉड लोग के चक्कर में ना पड़े,
कोई भी आपसे पैसा मांगता है कॉल पे, ऑनलाइन कुछ भी बोलता है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, पैसे दे दो, आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपको सिर्फ टैलेंट, जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनके पेज फॉलो करिए और उनके ही पास ही जाइए। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर होता है, वहाँ वो जाती हैं अपनी सुंदरता को निखारती हैं, ऐसे ही एक संस्था में हम लोग हैं जहाँ एक्टर्स को निखारा जाता है। कला सबके अंदर होती है, सब कलाकार हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कला होती है, लेकिन उसको निखारना, उसको और अच्छे लेवल पर लेके आना, उसको डेवलप करना, ये काम प्रिंस भैया कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई लोगों से बताया जाए, मिलवाया जाए, और कितने लोगों की जो मन में सवाल आता है कि कैसे करें, मतलब मुंबई जाएँ तो काम कहाँ से करें, शुरुआत कैसे करें। शुरू में ही वो आते हैं, उनको फ्रॉड हो जाता है, 10,000-20,000। जैसे मैं खुद ही इस लाइन में रहा हूँ कुछ दिन तक, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मेरे से जितने भी दोस्त मिलते थे उसमें से आउट ऑफ 70% लोग ऐसे मिलते थे कि कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000 रुपए दे चुके हैं। तो करण जी, वो इसलिए होता है कि उनको नॉलेज नहीं थी, उनको पता नहीं था, वो सिर्फ बैग उठाया मुंबई आ गए, इसने बोला भाई पैसे दो, काम मिलेगा, उनको देते गए वो। अच्छा, जब वो पूरा फ्रॉड से फंस गए तब उनको समझ में आया कि भाई मैं फंस चुका हूँ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, किसी भी फील्ड में आप आ रहे हैं उसके बारे में पहले नॉलेज लीजिए, समझिए, उसके बाद आइए। ऐसा नहीं है कि आप तैयार हैं नहीं, आप जंग पे चले गए, आपको पता ही नहीं बंदूक कैसे चलानी है, बल्ले खड़े हैं आप, तो फिर आपको कोई ना कोई शूट कर ही देगा। और वो नॉलेज कैसे वो नॉलेज कैसे मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आपका एकेडमी काम कैसे करता है, मतलब यहाँ रहने की भी सुविधा आप देते हैं? राइट। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले हमारी एकेडमी का क्या फॉर्मूला है कि हम बहुत ही कम पैसे में उनको एक्टिंग सिखाते हैं। आपको पता है अगर एक्टर बनना है तो भाई आपको तीन चीज आना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आपको डांस आना चाहिए, आपको मार्शल आर्ट आना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जितना टैलेंट होगा आपको मौके उतने मिलेंगे। कोई भी एक्टर हो, चाहे टाइगर श्रॉफ हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, सब लोग आप देखिए उनको सब कुछ आता है। ये तीन चीज तो आती ही आती है आज के टाइम पे। तो वो हम 3 महीने का हमारा एक कोर्स होता है जिसकी बहुत ही कम फीस है। अच्छा, इतनी कम फीस है जितना आप 1 महीने मुंबई में रहेंगे उतनी हमारी फीस है। अरे बापरे। जिसमें आपको हम 3 महीने में रहने की सुविधा देते हैं। आपको 3 महीने हम एक्टिंग सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, और आप देखते रहते हैं हमारे चैनल पे, हमारे यहाँ खुद कास्टिंग डायरेक्टर आते हैं जो लोगों को सिलेक्शन करने के लिए आते हैं, और आपका हम एक पूरा कॉन्टैक्ट बना देते हैं। और ये नहीं, अगर हमें लगा आप 3 महीने में एक्टिंग नहीं भी सीख पाए तो आपको हम एक्स्ट्रा भी सिखाते हैं, लेकिन जब तक आप परफेक्ट एक्टर नहीं बन जाते हैं तब तक आपको हम नहीं छोड़ते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने पूरा हो गया आप चले जाओ, नहीं। अच्छा, हमें लगा आप नहीं कर पा रहे हो, आप और टाइम दीजिए, हमें 6 महीना सिखाना होगा, लेकिन आपको हम परफेक्ट बना के छोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। और सब जैसे कि आपने बताया कि कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों को आने के बाद कि यहाँ क्या करें, कैसे करें और कहाँ जाएं। सबसे बड़ी बात तो मार्गदर्शन ही नहीं मिल पाता है कि एक अच्छा मार्गदर्शन होना, कैसे काम करना है, कहाँ जाना है। उसके बाद आप अपने काम भी दिलवाया है लोगों को। हमारे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सिर्फ तुम सीरियल आ रहा है कलर्स पे, उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा। तो काम मिलना, देखो काम तो सब लोग करोगे, आप लोग आएंगे आप लोग भी काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को उस लेवल का बनाना है कि लोग आपको अच्छा काम दें। काम तो आप आएंगे, मैं आपको 10 दिन में काम दिलवा दूंगा, काम मिलना बड़ी बात नहीं है, काम मिलना बड़ी बात नहीं, काम है कि हमें बड़ा काम करना है। अच्छा। काम तो सब लोग कर रहे हैं, आपने बताया मेरे को आपने भी किया है काम, बहुत सारा किया है, ठीक है, लेकिन उसे बड़े लेवल पे एक पहचान बनाना वो बड़ी बात है। अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा मुझे आप 10 एक्टर के नाम बताइए जो आपको अच्छे लगते हो, तो आपको सोचना पड़ेगा। आप एक बार नवाज भाई का नाम बताओगे, उस पर 3-4 लोग का नाम सोचोगे, कुछ ही लोग हैं। तो यानी कहने का मतलब है एक्टर बहुत सारे हैं बॉलीवुड में, लेकिन अच्छे एक्टर बहुत कम है। तो हमें ये ट्राई करना है कि हमें अपना एम बड़ा रखना है कि हमें भाई अच्छा एक्टर बनना है। और लाइक आप इतने दूर से आते हैं तो हमारा यही मकसद होता है कि भाई काफी लोग को दिक्कत होती है भाई मुंबई जाएंगे रहेंगे कहाँ, तो इसलिए हमने रहने की व्यवस्था कर रखी है। भाई मुंबई में आप आइए, हमारे पास रहने की व्यवस्था है, आपको रहना है, सीखना है, तैयार होना है। 3 महीने आपको इतना हम लोग कर देते हैं कि आपको मुंबई में काम मिलना भी स्टार्ट होता है, आप इनकम भी करते रहते हो। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे, सर हमारे पास पैसे नहीं है, हम मुंबई तो आ जाएंगे फिर रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, उनको हम जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं। हम ट्राई करते हैं कि भाई आप सीखते भी रहिए, किसी प्रोडक्शन हाउस में रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारे लिंक्स हैं, तो हम कुछ ना कुछ उनको स्पॉट बॉय कोई कर लेता है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर कर लेता है, जो जिस लेवल का रहता है उसको हम वैसा जॉब लगवा देते हैं, वो उसी फील्ड में काम भी करते रहते हैं, पैसे भी कमाते रहते हैं और साथ ही साथ आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो हमारा ये मसला कि आपको पूरा फैला देना, 3 महीने आपको हम लोग परफेक्ट कर देते हैं जी। मतलब कोई फ्रॉड नहीं है, जैसे कि ऑनलाइन दिख जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप से काम मिलने लगता है, या ऐसे कई सारे चैनल्स भी हैं यूट्यूब पर जो यही करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई लोगों को बुला लेते हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, मेरे साथ परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, सर मैंने यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, मैं इनके पास गया, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए और रहने का भी नहीं कराया, ना एक्टिंग क्लास कराया, ना कुछ नहीं कराया। हमारे यहाँ ऐसा
कुछ नहीं है, पहले आप आइए हमारे जो स्टूडेंट हैं उनसे मिलिए, फीडबैक लीजिए, सब चीज़ देखिए समझिए, आपको अगर लगता है कि हाँ भाई सही है, आपका मन मानता है सही है, तभी आपको ज्वाइन करना है, नहीं तो बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, आप सब जगह घूमिए पहले। आप पहले ये मत सोचिए कि करण भाई वीडियो दिखा रहे हैं तो आप आए हमारे यहाँ तुरंत ज्वाइन कर लें, नहीं, पहले आपको मुंबई आना है, आपको 4-5 एक्टिंग क्लास घूमना है, चीजें समझनी है, फिर जहां आपका दिल मानता है कि नहीं यार यहाँ पे बेस्ट है, आपको वहां ज्वाइन करना है। नहीं नहीं, तो मेन जरूरी वो है आपके लिए जी, ठीक है। तो मतलब कोई फ्रॉड नहीं है, आप यहाँ आइए, लोगों से फीडबैक लीजिए, और हम वीडियो में भी प्रयास करेंगे कि यहाँ जो स्टूडेंट हैं उनसे एक बार मिला जाए, बातचीत किया जाए, उनका फीडबैक लिया जाए, और फिर पूरे इंस्टीट्यूट को दिखाया जाए। डांसिंग वांसिंग भी होता है यहाँ पे? हम एक्टिंग, डांस, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, बहुत सारे कोर्सेज होता है। मैं आपको एक दे दूंगा, आप दिखा दीजिएगा, और मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, वो आप इन लोग को बता दीजिएगा। प्रॉपर एड्रेस मिलेगा, कोई फ्रॉड की वो नहीं है, आपको प्रॉपर एड्रेस मिलेगा, नंबर मिलेगा, आप पहले इंक्वायरी कर लीजिएगा, बात कर लीजिए, आपको लगे हाँ भाई ठीक है तो ही आना है आपको, ऐसा नहीं है। और आप सबसे बड़ी बात मैं ये बोलता हूँ, पहले आके आपको बच्चों से फीडबैक लेना है, उसके बाद एडमिशन लीजिए। कहीं भी आप एक्टिंग क्लास में जाइए, चाहे आप मुंबई आ रहे हो, चाहे आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, पहले वहां फीडबैक लीजिए उन स्टूडेंट लोग से, उनको कैसा मिला, कैसा अच्छा रहा, नहीं, उसके बाद आप ज्वाइन करें। नहीं नहीं, सही बात है, क्योंकि लोग काफी लंबी यात्रा करके दूर दूर से आ जाते हैं, फिर यहाँ आने के बाद कुछ नहीं मिलता, तो हम भी प्रयास करेंगे कि थोड़ा बहुत फीडबैक हम भी दिखा दें, कुछ फीडबैक आप यहाँ आने के बाद देख के लोगों से बातचीत करके समझ में आए तो काम करिए। तो बस यही मोटो था इस वीडियो का कि एक अच्छे चीजों की तलाश में हो, और अगर आपके पास कोई आता है उसका कुछ भला हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, और मैं भी सोचूंगा कि चलो एक नए काम हुआ, क्योंकि मैं बहुत भटका हूं। मैं भी इस फील्ड में जब आया था तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने एकदम जैसे चूना लगाना हो लगाया था, बहुत परेशानियां बहुत हुई थी। करण जी होता है, अगर आपको जिस फील्ड के बारे में नहीं पता है तो आपको जो लोग जैसा बोलेंगे वैसा करते हैं, हम लोग फॉलो करने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं, तो वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। और जैसे भैया हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, और ये भी नहीं है कि किसी तरह का एटीट्यूड है, ईगो है, यहाँ आने के बाद आपको परेशान होना पड़ेगा, सिखाने में जो चीज़ें होती हैं वही प्रोसेस होगा, और कुछ भी नहीं है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ का थोड़ा सेटअप वेटअप, तो आप लोग अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो मैं अभी करण जी को लेकर चलता हूँ, मिलवाता हूँ बच्चे लोग से, जो बच्चे लोग अभी एक्टिंग सीख रहे हैं उनसे मिलवाएंगे, फीडबैक भी लेंगे, करण जी खुद फीडबैक लेंगे, मैं बाहर रहूँगा, ये खुद जाके फीडबैक लेंगे, पूछेंगे जो भी रहेगा ये आपको आएंगे बताएंगे। तो बाकी करण जी के चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं बोला, अंदर मैंने एक चीज देखा है, वे काफी दिन से हमारे इंटरव्यू की बात चल रही थी, लेकिन मैंने ये देखा इस बंदे के अंदर, ये मतलब जो काम को एकदम पैशनेट है, एकदम ये करना है तो करना है। इनका एक्सीडेंट हुआ मैंने देखा भी, सब कुछ देखा, लेकिन इन्होंने काम नहीं रोका, ये वीडियो बनाते रहे। मैंने देखे इनके वीडियो दो, इनका एक्सीडेंट होता है, इन्होंने बेड पे बैठ के ऐसे वीडियो बनाए। तो ये एक आपके अंदर का पैशनेट है आप किसी काम को लेके, तो भाई आपको सफलता मिलेगी। अगर आप बॉलीवुड में भी आ रहे हैं तो एकदम आपको सोच रहे हैं भाई करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने एक बात आपसे भी सीखी कि आपने जो ये देखा मैंने आपका एक्सीडेंट होने के बाद पैशनेट थे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत कम लोग अंदर होता है, और जिनके अंदर होता है वो एक ना एक दिन इतिहास रचते रहते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड नहीं था भाई साहब, मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा, ये सब अपने दिल से, मैं इनको एक साल से देख दिल से बोल रहे हैं, नहीं मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ, मैं एक साल से देख रहा हूँ, ये काफी दिन से हमारा मैसेज भी था, हम मिल नहीं पा रहे थे, कुछ शेड्यूल चल रहा था शूटिंग वूटिंग का, फिर इनका एक्सीडेंट हो गया, फिर हम नहीं मिल पाए, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, और ऐसे लोग एक ना एक दिन बहुत बड़ा नाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ा सा हम लोग आपको इंस्टीट्यूट दिखा देते हैं, एकदम चलिए। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये J2B मतलब ज्वाइन टू बॉलीवुड एकेडमी के अंदर का सीन, और बच्चों से भी फीडबैक लेता हूँ कि कैसे यहाँ पर काम करते हैं लोग। तो आइए अंदर दिखाते हैं, मिलवाते हैं सबसे आपको। ये है इनका ऑफिस, दिखा दीजिए, मैम है ये, मैम सारी जानकारी आपको देंगी कि कैसे काम होता है, कैसे एडमिशन लेना है और भी सारी चीज़ें। ये इनका ऑफिस स्टार्टिंग लेवल पे है, अंदर चलते हैं, बच्चों से भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो दिखाएंगे हम आपको। आइए, ये इनके अचीवमेंट्स हैं, किसके किसके साथ इन्होंने काम किया है। राजा मुराद सर हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग परमानेंट यहाँ आते रहते हैं एक्टिंग सिखाने के लिए, बताने के लिए, सुनील पाल और भी बहुत सारे लोग। और जैसा कि देखेंगे आप, ये हॉस्पिटल बनाया गया, ऑपरेशन थिएटर देख रहे हैं, ये वर्चुअल है, इट मीन्स कि ये डुप्लीकेट है, इमेजिनेशन के लिए बनाया गया, बच्चों को सिखाने के लिए, एक्चुअल हॉस्पिटल नहीं है ये, केवल काम के लिए। मेकअप वाला सेटअप है, हमें लगता है बच्चों को तैयार करने के लिए मेकअप कराया जाता है। एक बार कैमरामैन जूम करके दिखाइए थोड़ा सा इसको। यहाँ एक्टिंग सिखाया जाता है, ये दरवाज़ा है जिससे प्रतिभाएँ अंदर जाती हैं और कुछ नया करके निकलती हैं। आइए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, देखिए सर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का।
आइए। प्रिंस सर आ जाइए, यहाँ बच्चे भी हैं सर भी हैं, और कैसे सिखाया जाता है, कैसे बताया जाता है, लोग कैसे काम करते हैं लाइव दिखाएंगे कैसे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं जो फ्रॉड कर लेते हैं, पता चला यहाँ आने के बाद कुछ वैसी चीज़ें मिलती नहीं है जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है। तो हमने सोचा भाई थोड़ा लाइव दिखाते हैं कि बच्चे कैसे काम करते हैं, क्या सिखाया जाता है, या ये सेटिस्फाइड है कि नहीं यहाँ दूर से आने के बाद। तो ये सब स्टूडेंट है आपसे, बच्चे हैं आप, मिल सकते हो बात कर सकते हो। कहाँ से हो आप लोग, आप कहाँ से? मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, हैदराबाद से आए हैं जी। यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। कितने दिनों से हो? मैं 10 दिन इधर से आते। 10 दिनों से? या अभी सर सिखा रहे हैं? हाँ। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ। निखार आ रहा है एक्टिंग में? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से? मैं कोलकाता से आई। कोलकाता से? इतना दूर से? हाँ, बिहार के पास में है ना? हाँ, बिहार के पास में। मेरे बगल से है। चलिए, अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लोग पूरी टीम बहुत इतनी सपोर्टेड है, और हमें एक एक चीज पूरी अच्छी तरीके से बताया जाती है, और हमें नहीं समझ में आता हमें रिपीट उन्हें समझाते हैं हमें, और हम कोशिश करते हैं अपनी भी फूल 100% देते हैं, और हमें बहुत अच्छा। किसके थ्रू आए हो आप? वाया यूट्यूब चैनल या ऐसे ही? नहीं, मैं इंस्टा पेज से आई। इंस्टा पेज से? यहाँ आने के बाद रियलिटी दिखी? ऐसा था? हाँ, नहीं, पहले थोड़ा तो डाउट लग रहा था, बट यहाँ आके देखा कि नहीं, जो भी था सब सच था। कुछ अच्छा, आप कहाँ से? सर मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से, मतलब सब आउट ऑफ स्टेट ही है, मुंबई के बाहर से हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ सर? बहुत अच्छा लग रहा है, आने के पहले बहुत डर रही थी, मगर अच्छा। यहाँ आके सच में बहुत कुछ। फ्रॉड नहीं हुआ ना? पता चला आने के बाद सर मिले ही नहीं, फैमिली जैसा है सर, गायब ऐसा नहीं था ना? सर बहुत बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है? नहीं सर, ज्यादा नॉर्मल है, आदमी अफोर्ड कर सकता है। सर हाँ, वो रहने का भी दे रहे ना, उस हिसाब से बहुत है। रहने के लिए क्या व्यवस्था है? सब सही सर? हाँ, रहने को सब सही है। अच्छा, हाँ, आप कहाँ से? मैं तो मुंबई से ही हूँ। अच्छा, आप पहला कोई शख्स मिला जो यहीं से? कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मेरा एक्सपीरियंस अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। मेरा 1 मंथ हो गया है। अच्छा, 1 मंथ पर मुझे जितना कुछ सीखने मिला, शायद मैंने 1 मंथ में कुछ ज्यादा ही, मतलब जो मैं ले सकती थी मैंने उतना तो ले ही लिया अपने। सर ने क्या बताया था, काम वाम भी मिलेगा? हाँ, सर ने कहा था अगर आप अपना 100% एफर्ट दोगे, मतलब तो, टैलेंट के बाद ही काम मिलेगा, ऐसा नहीं है जैसे ज्यादातर यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि भाई साहब आप यहाँ आओ आपको तुरंत हीरो बना दिया जाएगा, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना? टैलेंट है तो काम मिलेगा, यहाँ अंदर डाले तुम हीरो बन के, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। मतलब सब ठीक है, रियल है, टैलेंट है तो आप बाहर जाओगे। और भी लोग हैं? आपका? मैं हरियाणा से। हरियाणा से, चलिए बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा। मैं एक वर्किंग हूँ और मैं अपने वर्क को ड्रॉप करके यहाँ सीखने आई हूँ, क्योंकि मैं सर को 1 साल से इंस्टा पे फॉलो कर रही थी और यूट्यूब पे इनके वीडियो देख के वहीं से सीख रही थी। अच्छा। तो मेरे अंदर इच्छा है कि मैं थोड़ा ब्रेक लेके और यहीं प्रैक्टिकली सीखने क्यों ना आऊँ। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? देखिए, एज ए एक्टिंग, एज ए टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सिखाते भी बहुत अच्छे से हैं, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं हम लोग फैन हो गए हैं इन लोगों के, बहुत इंस्पिरेशन है ये हम लोगों के लिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग बेस्ट दे सकें इनसे जो सीखे। जैसे बहुत सारे लोग हैं परेशान है आउट ऑफ यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जो एक्टर बनना चाहते हैं यहाँ आते हैं फ्रॉड हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, तो उनको क्या आप देंगे? सर, क्योंकि आप बाहर से हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ काम किया है, आप अपना पर्सनल फीडबैक दीजिए। सर, मेरा पर्सनल फीडबैक तो यही है कि मुझे एकेडमी से तो कोई इशू नहीं है, हम कर्नाटक से। कर्नाटक से, मतलब कोई है, कोई तो मिल जाए जो यहीं से ज्यादा हो, सब आउट ऑफ स्टेट में, पूरी दुनिया यही है जेटूबी में। तो आप कितने दिन से हो यहाँ पे? मुझे 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। हाँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा रिजल्ट आपने सोचा था वैसा ही रिजल्ट? बहुत ही अच्छा है। सर अच्छा है कि एटीट्यूड वाले हैं? मतलब नहीं, नहीं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, ठीक है, नॉर्मल है। हाँ। चल, मतलब एक्टिंग के लिए क्या, मतलब अगर स्टार्स दिया जाए तो कितने स्टार्स दोगे आप उनको? पूरे 5। अरे बाप रे, बढ़िया काम किया सर आपने। आप कहाँ से? सर मैं जबलपुर एमपी से हूँ। अच्छा, जबलपुर से हैं। कितने दिन से हो आप यहाँ पे? 1 हफ्ते। 1 हफ्ते जी। क्या क्या सिखाते हैं सर, कैसे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, कुछ बताएं? सर प्रैक्टिकली सिखाते हैं, जो नहीं बनता है तो वो करके दिखाते हैं, पूछ अच्छा। लेते हैं तो बताते हैं सर। और अच्छा, क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे अगर ड्रेस चाहिए आपको और भी चीजें तो ये तो मिल सर है पे? सब ला के दे देते हैं। अच्छा। जो तुम्हारे पास हॉस्टल में ही रहते हैं? हॉस्टल में रहता हूँ। सब लोग हॉस्टल में, मतलब अभी तक मैंने केवल स्टूडेंट के लिए हॉस्टल सुना था जो पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, पहली बार अकेडमी के लिए हॉस्टल सुन रहा, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो है जो कुछ विशेष कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। और भी लोग हैं, आप लोग भी स्टूडेंट ही है ना? यस सर। कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से। हाँ। ये बंदा मेरे तरफ का है। यूपी से कहाँ से? यूपी जौनपुर से हूँ। अच्छा, जौनपुर भदोही के आसपास है। हाँ। कितने दिन से हो यहाँ पे? सर मैं यहाँ लमसम 1 महीना हो गया है, 1 महीना से सीख रहा हूँ। क्या कुछ सुधार आ रहा है? बहुत ज्यादा सुधार आ गया सर, पहले शुरू में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। अच्छा। कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि ढंग से मैं प्रोफाइल भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन प्रिंस सर इतने, मतलब
प्रिंस सर हैं और एक सर और भी हैं जिनका नाम है अलीम खान सर करके हैं, वो हमको ऐसे ऐसे ट्रिक बताए, ऐसे ऐसे यहाँ मतलब एक्टिंग के एक एक ट्रिक बताए कि हमको आज बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ कर पा रहे हैं। सर के अलावा भी और भी लोग आते हैं बाहर से भी सिखाने? हाँ सर, 10-15 दिन पे सेलिब्रिटी लोग आते रहते हैं सर के थ्रू बुलाते हैं। अभी तो अभी बीच में आए थे कास्टिंग डायरेक्टर उस्मा जाहिर करके, जो कि आश्रम मूवी के कास्टिंग किए थे, तो आए थे वो, उनसे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग जो क्वेश्चन था हम लोगों का वो भी उनसे हम पूछे तो हम लोगों को बताए, मार्गदर्शन किए। कुल मिला के सब कुछ अच्छा है यहाँ, सब कुछ अच्छा है सर। लेकिन सर का व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। सर ने बोला तो नहीं था ना कि अच्छा बताना है सब यहाँ पे? नहीं सर, मैं यूट्यूब पे देख देख के सर, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सर को देख देख के मैं इम्प्रेस होके मैं यहाँ तक आया। संतुष्ट हो? नहीं तो मैं अंधेरी जाने वाला था। अंधेरी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं सीखने वाला था, लेकिन सिर्फ प्रिंस सर के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, सब प्रिंस सर के ही नाते आए हैं। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से कुशीनगर से हूँ। अच्छा, कुशीनगर। कितने दिन से हो यहाँ? अभी 2 दिन हुआ सर। 2 दिन हुआ, अच्छा लग रहा है? हाँ सर। ऐसा तो नहीं छलावा वलावा है? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। सब संतुष्ट हो? हाँ। कितने स्टार दोगे सर को? 5 सर। चलो बढ़िया। आप कहाँ से? गुजरात से सर। गुजरात से। कितना दिन हुआ? 10 दिन हुआ मेरा। 10 दिन हुआ। सेटिस्फाइड हो सर से? Yes. क्या क्या मतलब, जैसे अब ये बगल में पुलिस खड़े हैं तो और भी एक्टिविटीज सर कराते रहते हैं कि केवल एक्टिंग सिखाते? बहुत, हैं बहुत एक्टिविटी कराते सर। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है अनुभव? अच्छा लग रहा है सर। बाहर जाने में दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आने के बाद सर नहीं, नहीं, सर, सर नहीं मिले? नहीं सर। सब अच्छा। चलो, आप पुलिस वाले भैया सच में हैं या मिला है गेटअप यहाँ से? मिला है। अच्छा, सर से मिला है। ऐसा तो नहीं सर इसके लिए कोई इंक्लूड फीस कर दी है? नहीं नहीं सर, ऐसा फीस में से नहीं है ना। क्या कर रहे थे, क्या एक्टिंग कर रहे थे आप? सर एक्टिंग तो नहीं, जो अभी से पहले कोई परफॉर्मेंस दे रहे थे क्या आप? नहीं सर। नहीं, ये किस लिए ड्रेस पहना है? पुलिस वाले का सर। अच्छा, तो कुछ है अगर तो दिखा। पुलिस वाला सर, एक्चुअली मुझे रोल तो याद नहीं है। फिर भी कुछ भी, मान लो तुम्हारे सामने कैमरा है, मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिखाओ, तो दिखाओ कुछ, कुछ भी सिखाओ यहाँ से, या कुछ भी आपके अंदर हो, कोई एक एक्ट, कोई एक मोनोलॉग जो आता हो। सर अभी तो मुझे याद नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और कोई है जो यहाँ कुछ दिखा सकता है प्रेजेंट टाइम में? चलो, अरे बाप रे, दिखाइए आप, दिखाइए कोई मोनोलॉग, किस टाइप में क्या देखना, कोई भी, कुछ भी जो आपका सबसे बेस्ट हो यहाँ से, जो आपने सीखा हो कुछ अच्छा, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कुछ सीखा भी है। बेस्ट आपका जो हो, जो लोगों के लिए बेस्ट हो जाए। बेस्ट को सर मैं एक्टिंग करके दिखा सकती हूँ, मतलब जो मैंने सीखा है। अच्छा, दिखाइए। ठीक ठीक, दिखाइए, शुरू करिए, कैमरा में दिखाएंगे आपको। मेजर साहब, सी मत लगे इस गप के लोग, सब आप क्या क्या चाहती हैं जो मैं तो बड़े खा खा कर जीने का तक नहीं भूल रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक वो जारी कर दूंगा तुम्हारा जिसम में जुर्म के खिले ठाकता रहेगा, कब तक? अरे उठाओ अपनी ताकत का त्रिशूल और उस अपने जाने का सिलेंडर पैर दो। सही है, क्लैपिंग कर दो यार। ये एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है तो यहाँ ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ दिक्कतें होंगी। 15 ही दिन हुआ है। हाँ हाँ, ज्यादा दिन भी हुआ। क्या तलाकशुदा? मैं तलाकशुदा थी तो आपने पार्टी में क्यों बुलाया? मैं आप सबसे पूछती हूँ, जब किसी पुरुष की और स्त्री की शादी होती है तो भर भर के आशीषें दी जाती है, तोहफे दिए जाते हैं, जग में उनकी गंगा होते हैं, और जब किसी का तलाक होता है तो उसे एक टैबू बना दिया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कैरेक्टर, उसके उठने बैठने, हर चीज पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। क्यों, आखिर क्यों? कभी ये सोचा है कि जिस इंसान का तलाक होता है उससे एक बार भी ये पूछा नहीं जाता कि उसकी गलती थी कि नहीं थी, उसने तलाक चाहता कि नहीं चाहता, बस उसको एक नाम दे दिया जाता है, तलाकशुदा। मैं आप भरी महफिल से पूछती हूँ, जब किसी की माँ बनती है तो कोई स्त्री आके कह देती है बेटा मुझे अपनी माँ समझ लेना, जब किसी का बाप मरता है तो उससे आगे पूछ लिया जाता है कोई बात नहीं बेटा मुझे अपना बाप समझ लेना, फिर सिर्फ एक तलाकशुदा इंसान
तो पैसे का लालच तो नहीं आ गया? देखो शादी और तुमसे सपने में भी नहीं, तो अपना ये फालतू का ड्रामा बंद करो, यहाँ से चलते बन गया बहुत काम। अगर सारा हक तुम्हें ही दे दिया तो हो गया। आज पैसे का लालच, उस वक्त कहाँ गया था तुम्हारा ये प्यार? तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब थी, एक वक्त खाने को पैसा भी नहीं था। उस वक्त तुमने मेरे प्यार को लात मारा था और आज पैसे देते तुम आ गए। वाह, सैल्यूट है यार। और बोल के कैसे लेते हो कि प्यार करते हो? प्यार का मतलब भी बताए क्या? मैं अब तुम्हें लात मारती, तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, के साथ ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी होगी तो देखेंगे भी नहीं, तो जिनका नहीं हो पा रहा है उनके लिए सॉरी। और कोई बचा है जिनका फीडबैक नहीं मिल पाया हमको? हाँ सर। अच्छा बता दीजिए, कहाँ से आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से कितने दिन हुआ है? हफ्ता हफ्ता हो गया। हाँ, सीख रहे हैं कुछ? हाँ सर। मजा आ रहा है? हाँ। अच्छा सर, एक्टिंग के अलावा और भी क्या क्या एक्टिविटीज, जैसे डांस वांस भी होता है? डांस है और मार्शल आर्ट है। हाँ। अच्छा मार्शल आर्ट भी, घुड़सवारी वारी भी? अभी घुड़सवारी तो यहाँ अभी नहीं। सर बोलिए, सर इंक्लूड करें क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। आप कहाँ से? मैं बनारस से। बनारस से? हाँ जी। अरे वाह, बनारस से मैं भी हूँ। चलिए अच्छी बात है। ठीक ठीक, तो कैसा लग रहा है प्रिंस सर? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वहाँ से आने के बाद दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई समस्या हॉस्टल से लेकर रिलेटेड? नहीं नहीं, कोई नहीं। बता दीजिए इसी बहाने हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर जी, बहुत अच्छा। फीडबैक अच्छा है? बहुत अच्छा है। चलो अच्छा, और कोई बचा है यहाँ पे? तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं फीडबैक दूंगा, लोगों से मिलवाऊंगा, बातचीत करूंगा, तो वो हो गया है। और अब आपको विश्वास हो गया होगा कि ऐसा नहीं है कि मुंबई में सारे इंस्टीट्यूट, सारे एकेडमी फ्रॉड ही होते हैं या सारे लोग फ्रॉड होते हैं जो आपको केवल आने के बाद जुबला देंगे या धोखेबाजी होगी, तो वैसा नहीं है। यहाँ कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, जिनमें से प्रिंस सर का भी एक इंस्टीट्यूट है। मैंने आप लोगों को और भी लोगों से मिलवाया, स्टूडेंट्स से भी मिलवाया, सर भी साथ है, अच्छा लगा। मैंने काफ़ी लोगों का फीडबैक लिया, ज़्यादातर सब कुछ अच्छा है। एक दो समस्याएँ है जिसको आप सॉल्व करेंगे, मेरा जहां तक आशा है, मानना है। तो और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे जो अभी आना चाहते हैं इसके थ्रू? बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग भी आना चाहते हैं तैयारी के साथ आएं। आप कोशिश करिए, आप जहां रहते हैं पहले वहां ही सीखने की ट्राई करिए, ये नहीं है कि मुंबई ही आना है आपको। आप जहां पे पहले वहां पे सीखिए, ट्रेंड होइए।